Join our Telegram channel for free winning teams, free giveaways, exciting offers and last moment updates. Telegram channel joining link is in description box. नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां कल के मैच के लिए। कल का मैच अपना वापस एक बार काफी अच्छा गया, काफी शानदार वाला जो है प्रॉफिट हमने कल के मैच में कमाया था। कल का जो मैच था यार वो तो एकदम क्लीन स्वीप विनिंग था, कोई आसपास भी नहीं आ पाया था। और दोस्तों उससे भी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको अपनी विनिंग स्ट्रीक के। मैंने तो कल नोटिस किया यार, अभी बिजी था नोटिस नहीं कर पाया, बाकी हम एक बार वापस विनिंग स्ट्रीक पे आ गए। 9 मैच विनिंग स्ट्रीक हमारी अभी चल रही है। अपने चैनल का रिकॉर्ड है वैसे तो 21 मैच विनिंग स्ट्रीक का, मतलब कि 21 मैच लगातार जितवाए थे, एक भी मैच नहीं हरवाया था इस आईपीएल में अभी कुछ दिनों पहले। फिर एक मैच जो है खराब आया, लॉस हुआ तो विनिंग स्ट्रीक टूट गई, लेकिन एक बार वापस हम विनिंग स्ट्रीक पे आ गए हैं। 9 मैच हो चुके हैं जिनमें हम रेगुलर प्रॉफिट कमा चुके हैं और अब देखते हैं इस विनिंग स्ट्रीक को हम कितना खींच पाते हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि अपना जो रिकॉर्ड है वो हम ही तोड़े, कोई और तो तोड़ नहीं पाएगा कि लगातार 21 मैच जिताए, और किसी के बस की बात नहीं है। अब दोस्तों यार अपना चैनल देखो ऐसे विनिंग स्ट्रीक पे जाता है, इतना प्रॉफिट होता है, इसका एक रीजन है। क्या है कि यार हमारी टीम कभी भी बाकियों की तरह तुक्के में नहीं बनती, ठीक है? एकदम लॉजिकल जो है हम अपनी टीम बनाते हैं। जैसे यार कल का मैच उठा लें अगर हम, तो कल वाला जो मैच था वो था हैदराबाद और दिल्ली के बीच में, ठीक है? उसका जब दोस्तों मैं वीडियो लेके आया था कल सुबह, तो उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जैसे कि कुछ प्रिडिक्शंस मैंने दी थी कि भाई एडन मार्करम मारेगा, वो तो खैर सबको ही था कि भाई रेगुलर अच्छी फॉर्म में चल रहा है मारेगा, ठीक है? निकलस पूरन को बहुत लोगों ने अपनी टीम से ड्रॉप किया था, एक सेकंड के लिए मेरे मन में भी ख्याल आया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार निकलस पूरन है, लास्ट में अगर थोड़ी सी भी बैटिंग आ गई तो ये बंदा कमाल धमाल कर लेगा, इसलिए उसे हमने अपनी टीम में रखा था और उसने मारा, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कई बातें बताई थी, जैसे कि हैदराबाद के अगेंस्ट वॉर्नर मारेगा कैप्टन बना दे रहा, मारा उसने, हमने कैप्टन बनाया, वही जिता के ले गया। और उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे कि खलील अहमद, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, हमने सोचा था खलील अहमद अगर खेलेगा तो वो विकेट लेगा, भाई उसको हमने टीम में रखा, उसने भी बहुत अच्छे पॉइंट दिए, ठीक है? मैंने आपको बताया था रोमन पवल के बारे में, उसके बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था। कल एक बार जाके वीडियो देखो, रोमन पवल के ऊपर मैंने कितना फोकस किया था कि इस बंदे की बैटिंग आई, अगर थोड़े से ज़्यादा ओवर खेलने को मिले ये बंदा भाई आग लगा सकता है, डिट्टो बात बोली थी कल के वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों मेरे को यार एक बात बताओ, मैच स्टार्ट होने से पहले ही अगर आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैच के बारे में होगी, इतनी सारी प्रेडिक्शन आपके पास मैच के बारे में होगी, तो फिर आप कैसे हार सकते हो यार, चांस ही नहीं है। अब दोस्तों देखो आज भी एक मैच है, आज मैच है गुजरात और मुंबई के बीच में, ठीक है? अगर आपको दोस्तों इस मैच में भी अच्छा जीतना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो यार आपको कुछ भी स्पेशल काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो आप रेगुलरली कर रहे हो। क्या करना है, इस वीडियो को यार स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देख लेना है, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में एक बार वापस मैं इस मैच की पूरी कुंडली खोलने वाला हूँ, एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताया जाएगा, पिच के बारे में आपको बताया जाएगा, प्लेयर बैटल आपको बताया जाएंगे, मतलब कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और प्रेडिक्शन आपको आगे इस वीडियो में दी जाएंगी, जिनका यूज करके जब आप एक बार वापस आज अपनी फैंटेसी की टीम बनाओगे तो आपको कोई भी नहीं हराने वाला। और दोस्तों देखो मुझे पता है कि सब यहाँ पर जीतने आए हैं, हारने कोई आया नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई 20-25 मिनट में आपसे मांगूंगा, थोड़ा सा अपना टाइम निकालो, इस वीडियो को पूरा देखो और अपनी जीत कंफर्म कर लो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये है आईपीएल के 51st मैच, अभी भी बहुत सारे मैच बाकी पड़े हैं, ये पूरा महीना आईपीएल का बाकी पड़ा है। अगर दोस्तों आपको बचे हुए इस आईपीएल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो यार आपको कुछ भी स्पेशल नहीं करना, आपको वही काम करना है जो लगभग 400,000 लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला, जिसने भी यार अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों जो बगल में बेल आइकन आए उसे भी दबा के ऑन कर लेना, उससे क्या होगा कि जितने भी अपडेट मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर लेके आऊंगा ना, वो सारी की सारी आप तक सही सलामत पहुंचती रहेंगी, और जब तक आपके पास अपडेट आती रहेंगी, प्रेडिक्शन आती रहेंगी, तब तक आपकी विनिंग होती रहेगी, ठीक है? तो यार लाखों लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया, इतना मैं प्रॉफिट करवा रहा हूँ इनका इतने सालों से एकदम फ्री में, आपका भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ एकदम फ्री का है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बात करें दोस्तों अगर हम इस मैच के बारे में, तो यार ये वाला मैच आज शाम को 7:30 बजे ब्रबन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ पर कल वाला मैच खेला गया था, मतलब कि पिच के बारे में अपने को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने को आइडिया है कि इस पर्टिकुलर मैदान में कैसा पिच रहता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपसे एक छोटी सी बात और बोलूँगा, आपको पता है ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है? अगर आप मेरे को सपोर्ट दिखाते हो तो मैं आप लोगों को विनिंग करवाता रहता हूँ, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना होता यार, थोड़ा सा आपको सपोर्टिव होना होता है। और क्या करना है देखो, जैसे इस वीडियो को आप पूरा देख लो, देखते देखते यार उस लाइक के बटन को एक बार दबा देना, ठीक है? इतना सा आपको काम करना है, लगभग 8,000 लाइक आप इस वीडियो पर कंप्लीट कर दो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं फ्री के वीडियोस, फ्री की टीम्स लाता रहूंगा, आपकी ऐसे ही विनिंग करवाते रहेंगे, ठीक है? तो इतना सा आप काम कर देना मेरे भाई, एक सेकंड लगेगा, जिसने भी लाइक नहीं किया वो अभी तक
लाइक कर देना, ठीक है। बात करें दोस्तों देखो पिच और वेदर के बारे में, तो मौसम तो साफ रहेगा ब्रिस्बेन मैडम का। बाकी अगर मैं बात करूं पिच के बारे में, तो पिच भी दोस्तों वैसे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है और फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब आगे हम वेन्यू वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, मैं आपको बताऊँ आगे आपको वेन्यू रिपोर्ट में दूंगा, ठीक है। उसके अलावा टीम न्यूज आपको मिलेगी, प्लेयर बैटल आपको मिलेंगे, प्लेइंग 11 आपको मिलेगी, डेथ ओवर बॉलर आपको मिलेंगे, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड आपको आगे वीडियो मिलेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज जो आपको आगे इस वीडियो में नहीं मिल सकती वो है यार इस मैच की फाइनल टीम, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक टॉस नहीं होता था तब तक अपनी फाइनल टीम भी नहीं बन सकती, ठीक है। क्योंकि टॉस होने के बाद अपने पास बहुत सारी अपडेट आती है, बहुत सारी न्यूज आती है, उनके हिसाब से हम अपनी फाइनल टीम बनाते हैं, ठीक है। और जो भी हमारी फाइनल टीम होगी दोस्तों वो आपके साथ हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, देखो टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आपको ज्वाइन जरूर से कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमसे वहां पर जुड़े हुए हैं, डेली हमारी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट का एकदम फ्री में फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी जुड़ जाना है, क्योंकि जब तक आपके पास फाइनल टीम और फाइनल अपडेट नहीं होंगी तब तक आपकी विनिंग होने के चांसेस बहुत कम होंगे, है ना। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको अभी जाकर ज्वाइन होना हो वो अभी जाकर भी हो सकता है, या फिर इस वीडियो को खत्म करने के बाद होना हो तो उस वीडियो को खत्म करने के बाद भी जाकर ज्वाइन हो सकता है, लेकिन आपको ज्वाइन जरूर होना है, ठीक है। बात करें दोस्तों कुछ रिसेंट मैच इस पर्टिकुलर मैदान में खेले गए थे, तो 20 अप्रैल को खेला गया था, इसके बारे में यार कल ही बताया था, ब्रिस्बेन मैदान है सेम है, ठीक है। बस 23 अप्रैल को खेला गया था, यहाँ पर भी देखोगे तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट है, यहाँ पर स्पिन को थोड़ा सा ज्यादा विकेट मिला था, यहाँ पर आप देखोगे तो 30 अप्रैल को वो वापस फास्ट और स्पिन दोनों को लगभग बराबर था, और जो कल खेला गया था इसमें आप देखोगे तो फास्ट बॉलर्स को वापस एक बार ज्यादा सपोर्ट मिला था, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर स्पिन को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कभी फास्ट को ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़े कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूजन में क्लियर कर देता हूँ। देखो हर एक मैदान में जरूरी नहीं है कि एक ही पिच पर सारे मैच खेले जाएं, ठीक है। 3-4 पिच होते हैं, अलग अलग पिच के अलग अलग बिहेवियर होते हैं। आज के मैच का वेट करना कि कौन से पिच पर खेला जाएगा, हो सकता है कल वाले पिच पर खेला जाए, हो सकता है नहीं खेला जाए, ठीक है। अगर और कोई पिच होगा तो हो सकता है स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट मिले। तो अपनी जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी जो आपके साथ टॉस के बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, उसका वेट करना, उसके हिसाब से हम अपनी टीम बनाएंगे। इसलिए बोल रहा था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, फाइनल अपडेट भी आपको वहीं मिलती है, तो आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच तो होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो 180 के समथिंग था, यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो 119 10 ओवर में ही बन गए थे, यानी कि 20 ओवर में 200 समथिंग जाते, और यहाँ पर 70 रन जो है 8 ओवर्स में बन गए थे, यानी कि 200 रन आराम से जाते 20 ओवर में। तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। बात करें दोस्तों अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड तो इन दोनों टीम्स का है नहीं, कभी भी आमना सामना नहीं हुआ है, ठीक है। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखूं तो गुजरात टाइटंस भाई 10 मैच में से 8 मैच जीत के 2 मैच हारी है, और पॉइंट टेबल में अभी तो फर्स्ट पोजीशन पर बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो इनके जस्ट पोजीशन में है, क्योंकि ये पॉइंट टेबल में 10th यानी कि लास्ट पोजीशन पर बैठी है, और इन्होंने 9 मैच में से सिर्फ 1 मैच अभी तक जीता है, 8 मैच हारे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं मुंबई इंडियंस के चांसेस पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुए हैं प्लेऑफ में क्वालिफाई होने के, लेकिन बहुत ही महीन बचे हैं, सारा जो फेवर है वो इनकी साइड होना चाहिए, तब जाके ये कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो सकते हैं, अदरवाइज चांसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। और दोस्तों इस मैच में विनिंग चांसेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स यार गुजरात टाइटन्स जो है उसके जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, मुंबई इंडियंस के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि ये अभी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, साथ ही साथ ये अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 फाइंड करने में भी स्ट्रगल कर रही हैं, इनकी बॉलिंग भी अच्छी है, इनकी बैटिंग भी अच्छी है, तो डेफिनेटली गुजरात टाइटन्स जीतने के चांसेस ज़्यादा रखती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार मैं आपसे एक बात जरूर बोलूँगा कि आपने यार हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो और अभी तक भी लाइक नहीं किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बात करें दोस्तों अगर हम माय 11 सर्कल के बारे में, तो यार इसके बारे में तो डेली ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डाउनलोड लिंक दोस्तों इसकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे दोस्तों आपको सबसे पहला बेनिफिट होगा यहाँ पर 1500 रुपये तक का साइनअप बोनस, जो कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, उसकी चिंता ही मत करो, ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट होगा दोस्तों वो होगा 20% एक्स्ट्रा कैश का, आप खेलने के लिए वहाँ पर डिपॉजिट तो करोगे, और जैसे ही डिपॉजिट करोगे एक डिपॉजिट कोड वो आपसे मांगेगा, वहाँ लिख देना SUPPORT सपोर्ट, ठीक है। आपको 20% एक्स्ट्रा कैश डायरेक्ट मिल जाएगा, ये बोनस नहीं है एक्स्ट्रा कैश है, ठीक है। 5 गुना कैश के प्राइस भी वहाँ पर चलते हैं, बीट दी एक्सपर्ट के कॉन्टेस्ट, और 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज जो ग्रैंड लीग होती है वहाँ की, डेली हर IPL के मैच में आपको देखने को मिलता है 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज, इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। माय 11 सर्कल की दोस्तों तो डाउनलोड लिंक है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया हो वो कर सकता है, ठीक है।
बात करें अगर दोस्तों हम गुजरात टाइटंस की टीम न्यूज के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों टीम्स की तरफ से कुछ टीम न्यूज अपने पास आ रही है। थोड़ा सा फोकस करोगे तो मैं दो मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखो, साई सुदर्शन आपको पता है कि जैसे पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी लेकिन फिर फील्डिंग के टाइम पे जो है थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, फील्ड से भी चले गए थे। बात यह कि यार इस मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो देखो अभी तक कोई भी कंफर्मेशन अपने पास गुजरात की तरफ से आई नहीं है कि भाई इस मैच के लिए फिट है नहीं है, ठीक है। अगर फिट होंगे तो फिर साई सुदर्शन खेल लेंगे, अगर नहीं होंगे तो उनकी जगह आपको अभिनव मनोहर या फिर विजय शंकर में से कोई एक बंदा खेलते हुए दिख जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपने पास कोई ऑफिशियल न्यूज आती है साई सुदर्शन के बारे में, आपके साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। एक दोस्तों ये काफी अच्छा रिकॉर्ड है कि 2019 के बाद मोहम्मद शमी ने जो पूरे 6 मैच खेले हैं मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, उनमें 11 विकेट लिए हैं। तो आप सोच सकते हो कि मोहम्मद शमी इस मैच के लिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। और दोस्तों वही बात मैंने आपको बोली कि जब तक यार टॉस नहीं हो जाता तब तक नई नई न्यूज़ और नई नई अपडेट अपने पास आ जाती रहती हैं, और कोई भी ऐसी न्यूज़ आएगी, कोई भी ऐसी अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि आपको बताना जरूरी है, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों मुंबई की टीम की तरफ से अभी तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है, ठीक है। तो इसकी तरफ से भी कोई जैसे ही न्यूज़ आती है वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। बात करें दोस्तों हम गिव अवे के बारे में, तो यार वही बात है, आपने तो कल वाला गिव अवे, आपको सिर्फ कमेंट करना है, दो कमेंट आप मैक्सिमम कर सकते हो, और कमेंट आपको करना है या तो चैनल के बारे में या मेरे बारे में, ठीक है। अगर आपका कमेंट जो है अच्छा लगा तो आप गिव अवे के विनर बन जाओगे, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है, और बस गिव अवे के दो रूल हैं आपको, एक तो हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, दूसरा इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, तभी आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों देखो गुजरात टाइटन्स की टीम के बारे में, तो यार ये रही उसकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। अब दोस्तों वही बात मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो भी आप देख पा रहे हो ये है एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, इसे फाइनल मत लेना, फाइनल आपको टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। फिलहाल दोस्तों हम बात करें यहाँ पर अगर डेथ ओवर बॉलर्स की, तो डेथ में एक तो मोहम्मद शमी आपको दिख जाएंगे, एक लोकी फर्गुसन आपको दिख जाएंगे, अगर ये दोनों तो मेन हो गए, अगर चिप इन करना हो तो फिर अल्जारी जोसेफ आपको चिप इन करते हुए दिख जाएंगे, अदरवाइज ये दोनों मेन है डेथ ओवर बॉलर्स। और आपको पता है हमेशा मैं डेथ ओवर बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस रखता हूँ, क्योंकि डेथ में विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और यानी कि इसके विकेट निकालने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ उन प्लेयर्स की जो मेरी जो स्मॉल लीग की टीम होगी उसमें 100% रहेंगे, कहीं पर भी नहीं जा रहे, तो यार गुजरात की टीम की तरफ से ऐसे प्लेयर जो हैं वो बहुत कम है। जैसे कि एक तो मोहम्मद शमी को मैं कंफर्म कर देता हूँ, और किसी को भी कंफर्म करने में सही बताऊंगा तो डाउट हो रहा है मेरे को। हालांकि अगर करना चाहो मोस्ट प्रोबेबल्स में आप प्रीतिमान साहा को रख सकते हो, हार्दिक पांड्या को रख सकते हो, ठीक है, डेविड मिल्लर को रख सकते हो, और उसके अलावा राशिद खान को रख सकते हो। ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मोस्ट प्रोबेबली टीम में रहेंगे, लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकता क्योंकि किसी ने भी जो है उतना ज़्यादा इंप्रेस अभी रिसेंटली किया नहीं है, ठीक है। तो एक बात के लिए तो मैं सिर्फ एक प्लेयर ही गुजरात की टीम की तरफ से कंफर्म करूंगा फिलहाल के लिए, तो ठीक है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये देखो जो सारे रिकॉर्ड हैं गुजरात टाइटंस की टीम के वो भी आपकी स्क्रीन के सामने, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपको आइडिया लगता है कि भाई जो प्लेयर है वो कैसी फॉर्म में है, कैसा इनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो देख लो शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड है कुछ आईपीएल 2021 तक का, 58 मैच में 1400 से ऊपर रन बनाए थे और 31 के समथिंग का बैटिंग एवरेज था, अच्छी बैटिंग थी। लेकिन जो अगर पिछले 4 मैच बात करूं तो 2 मैच में तो भाई 10 से भी नीचे आउट हो चुके हैं, और 2 मैच में 21 और 31 की पारी जरूर खेली है। तो देख लेना अगर शुभमन गिल को अपनी टीम में रखना चाहो, ठीक है, खेल भी सकते हैं बड़ी पारी, नहीं भी खेले अच्छी फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है। वृद्धिमान साहा दोस्तों जरूर आपकी टीम के लिए ठीक पिक हो जाते हैं, इन्होंने 21, 29, 68, 25 ठीक ठीक पारी खेली है, बस 3 पारियों को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, एक को बड़ी पारी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक डिसेंट पिक हो जाते हैं स्मॉली के लिए। हार्दिक पांड्या अभी दोस्तों अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं क्योंकि बॉलिंग तो कर ही नहीं रहे, और बॉलिंग जिस मैच में करेंगे आपको पता लग जाएगा, एक जो है बैट्समैन कम हो जाएगा, ठीक है, तो सॉरी एक जो है बॉलर कम हो जाएगा, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर लेंगे। इसके बारे में अगर ये इस मैच में बॉलिंग करेंगे तो फिर अपनी टीम में 100% रहने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस भी रहेंगे, ठीक है। अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर इनको रखूंगा, उसके ऊपर भी डाउट है, ठीक है, तो वेट करना। बाकी जो बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे वो आपके साथ में टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। डेविड मिलर दोस्तों पिछले 4 मैच आप देखोगे तो एक 39 नो डाउट की पारी आई है, एक 27 की पारी आई है, बाकी जो 2 मैच है वो थोड़े डाउन गए हैं। साई सुदर्शन का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था पिछले मैच में ही कि भाई अच्छी पारी खेल सकता है, 65 नोट आउट की पारी खेली, लेकिन अब इंजर्ड हो चुके हैं तो हो सकता है खेले, हो सकता है नहीं खेले, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों टेवटिया की अगर मैं बात करूं तो गुजरात की टीम को जब जब सेवियर की जरूरत पड़ी है टेवटिया आगे आए हैं, लेकिन पिछले मैच में तो ये भी नहीं आ पाए, उससे पहले 40 और 43 की पारी जरूर खेली थी,
राशिद खान की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, पिछले 4 मैच में ओनली 3 विकेट हैं। इनका भी यह सीजन कुछ खास अभी तक जा नहीं रहा है। बैटिंग के साथ जरूर थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर देते हैं, लेकिन बैटिंग से इनसे हम उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि आखिरकार ये एक बॉलर हैं, इनको बॉलिंग से डिलीवर करना चाहिए। ठीक है, लोकी फर्गुसन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पिछले 2 मैच में 1-1 विकेट जरूर ले रहे हैं। ये भी इनका सीजन कुछ खास नहीं चल रहा है। ठीक है, अल्जारी जोसेफ दोस्तों पिछले मैच में विकेटलेस गए थे, उससे पहले हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं। इनकी जो इकोनॉमी रेट है दोस्तों वो थोड़ी हाई रहती है। ठीक है, पर सांगवान की अगर दोस्तों मैं बात करूँ, पिछले 2 मैच से खेल रहे हैं, 1 मैच में 2 विकेट आए थे, 1 मैच में 0। इस मैच में दोस्तों अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं सांगवान। मैं आपको बोलूँगा कि ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में आप इन्हें ट्राई कर लेना। ठीक है, लेफ्ट आर्म है जो अच्छा एंगल इन्हें मिल जाता है, और मोहम्मद शमी को तो मैंने कन्फर्म कर ही दिया, हर मैच में विकेट निकाल रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम के बारे में, तो इनकी भी जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है वो आपको भी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी। ठीक है, इनकी भी अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो वही बात है कि एक्सपेक्टेड है, फाइनल मत समझ लेना, फाइनल टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर। अगर डेथ ओवर बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, डेनियल सेम से एक आधा ओवर डालेंगे, और रिले मेरेडिथ को भी एक आधा ओवर चिप इन करने के लिए मिल सकता है, अदरवाइज ये दोनों हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं बात करूँ इन्हीं प्लेयर्स में, ऐसे प्लेयर जो मेरी टीम में रहेंगे, तो सूर्य कुमार यादव को एक बार के लिए मैं कन्फर्म कर देता हूँ, तिलक वर्मा को मैं आपके लिए कन्फर्म कर देता हूँ, नीचे से दोस्तों रिले मेरेडिथ को मैं अपनी टीम में कन्फर्म कर देता हूँ। तो 3 तो हो गए हैं कन्फर्म, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप रोहित शर्मा, ईशान किशन को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, टीम डेविड आपके लिए ग्रैंड लीग के पिक हैं, इसके बारे में और बात करेंगे, और नीचे से जसप्रीत बुमराह। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मोस्ट प्रोबेबली टीम में रहेंगे। बाकी फिलहाल के लिए 3 प्लेयर्स को ही मैंने कन्फर्म किया है, 1 प्लेयर मैं उस टीम से कन्फर्म कर चुका हूँ, यानी कि अभी ओनली 4 प्लेयर मैंने दोनों टीम्स की तरफ से कन्फर्म किए हैं। जो बचे हुए प्लेयर हैं दोस्तों वो कन्फर्म इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि वो कन्फर्म हुए ही नहीं है। ठीक है, वो टॉस के बाद कन्फर्म होंगे पिच रिपोर्ट को देखते हुए, तो वो आपके साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, उन प्लेयर्स को देखना, अपनी टीम मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इन प्लेयर्स के अभी सारे रिकॉर्ड आप देख लो भाई, रोहित शर्मा ने 214 मैच खेले हैं, एक्सपीरियंस की तो कोई कमी नहीं है, 31 का बैटिंग एवरेज भी है। पिछले 4 मैच अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 2 मैच तो डाउन जरूर थे, लेकिन फिर पिछले 2 मैच से एक ठीक ठीक पारी ये खेल रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कभी भी कर सकते हैं, अच्छे बैट्समैन है। ठीक है, ईशान किशन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो इनको भी जो है 15 करोड़ जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक की नहीं है, 15 करोड़ इन पे खर्च किए गए थे। बाकी दोस्तों देख लो, 3 मैच ऐसे गए हैं, पिछले मैच में 26 रनों की एक ठीक ठाक पारी आई थी। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को तो कन्फर्म कर ही दिया, हर एक मैच में ऑलमोस्ट अच्छी परफॉर्म करता है, पिछले 4 मैच में से ओनली 1 मैच खराब गया है। तिलक वर्मा को भी दोस्तों कन्फर्म कर दिया क्योंकि इनकी भी पारी बहुत अच्छी आ रही है। और टिम डेविड को मैंने आपको ग्रैंड लीग का पिक इसलिए बताया है क्योंकि भाई टिम डेविड एक पावर हिटर है। ठीक है, इनको कभी भी बैटिंग करने भेज दो, अच्छी पारी आपको खेल के दे सकते हैं, तो इन ये आपके लिए ग्रैंड लीग के काफ़ी मस्त पिक हो जाते हैं, अगर इनकी बैटिंग आई तो भाई तहलका मचा सकता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ऋतिक शोकीन बैटिंग प्लस बॉलिंग के साथ पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम अपनी टीम में नहीं रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ पोलार्ड की, तो पिछले 4 मैच आप देख सकते हो, इन्होंने भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस अभी की नहीं है जितना बड़ा इनका नाम है। बाकी एक आधे मैच में इनकी पारी अच्छी जरूर आई थी। ठीक है, डेनियल सेम्स दोस्तों पिछले 4 मैच अगर आप देखोगे तो हर एक मैच में वैसे तो विकेट निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार डेनियल सेम्स की एक चीज़ ख़राब है, वो है इनकी इकोनॉमी रेट। ठीक है, इकोनॉमी रेट इनकी काफ़ी हाई रहती है, इसका मतलब है कि ये पिटते बहुत ज़्यादा है। बाकी आप देख लो, हर एक मैच में डिसेंट परफॉर्मेंस है, रखना चाहो रख सकते हो। रिले मेडिथ को मैंने कन्फर्म कर ही दिया, एक डिसेंट इकोनॉमी रेट के साथ विकेट निकाल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह दोस्तों आपके लिए एक बार वापस ग्रैंड लीग के काफ़ी शानदार पिक। इनके दोस्तों जो सिलेक्शन परसेंट है वो कम रहने वाले हैं क्योंकि इन्होंने अच्छे विकेट इस IPL के सीजन में नहीं निकाले हैं, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी रेट है वो वन ऑफ द बेस्ट है इस IPL में। काफ़ी अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब कि विकेट भी कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह देख लेना। बाकी कार्तिकेया की अगर मैं बात करूँ तो ये भी यार एक अच्छे बॉलर हैं, टैलेंटेड बॉलर हैं, इनको मैं कहूँगा कि ग्रैंड लीग की अगर आप 10-12 टीम बनाओ तो एक टीम में जरूर ट्राई करना है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, प्लेयर बैटल है ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका जो पूरा फोकस है वो एक बार के लिए मेरे को यहाँ पर चाहिए। ठीक है, इससे क्या है कि आपको आइडिया लगेगा कि आपको ग्रैंड लीग की टीम्स में कैसे मॉडिफिकेशन लाने हैं और स्मॉल लीग की टीम में कैसे मॉडिफिकेशन लाने हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें गुजरात की टीम के बैट्समैन और मुंबई के बॉलर्स के बारे में, तो सिर्फ 2 प्लेयर बैटल हैं अपने पास, शुभमन गिल और वृद्धिमान साहगा, और दोनों हैं बुमराह के अगेंस्ट, और दोनों को इन्होंने जो है 1-1 बार आउट किया है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर देखो गिल और बुमराह का इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि
जो है ये दोनों के दोनों मैंने इसलिए ऐड किया है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो, क्योंकि दोनों के दोनों ओपनर हैं और बुमराह आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो अगर बुमराह का दिन अच्छा हुआ तो दोनों का विकेट निकाल सकता है, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है और ये आपके लिए ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप हो जाती है, क्योंकि अगर गुजरात के दोनों ओपनर फॉल हो जाते हैं पावर प्ले के अंदर ही, तो फिर ग्रैंड लीग की आपकी एक काफ़ी अच्छी टिप बन जाएगी। देख लो 20 बॉल में 24 रन दिए हैं, 44 बॉल में 37 रन दिए हैं। वृद्धिमान साहा को ज़्यादा परेशान करते हैं, ओनली एक एक बार विकेट लिया है। यहाँ पर स्ट्राइक रेट 100 से कम है, यहाँ पर 100 से हल्की सी ज़्यादा है, ठीक है। अब तो दोस्तों देखो, हमने बात किया गुजरात के बैट्समैन और मुंबई के बॉलर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे मुंबई के बैट्समैन और गुजरात के बॉलर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले देखो यार, ये सब्सक्राइब ना हो, जिसने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप ही के फायदे की बात बता रहा हूँ, एकदम फ्री का है, कोई भी चार्ज नहीं है, लाखों लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्होंने भरोसा दिखाया है, इनका रेगुलरली प्रॉफिट हो रहा है तो आपका भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बात करें दोस्तों अगर हम मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के प्लेयर बैटल के बारे में, तो ये इसमें थोड़े से ज़्यादा प्लेयर बैटल हैं, लेकिन वो ये रोहित शर्मा के जो हैं चार प्लेयर बैटल आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, मोहम्मद शमी के अगेंस्ट 40 बॉल में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करेंगे मोहम्मद शमी, इसलिए रोहित शर्मा का विकेट निकाल सकते हैं, उतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है रोहित शर्मा। ध्यान रखना, ग्रैंड लीग की कुछ टीम्स में आपको रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चलना है, क्योंकि अभी अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, ऊपर से इतने सारे प्लेयर बैटल हैं तो फिर कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, ठीक है। राशिद खान के अगेंस्ट आप देखोगे तो 16 बॉल में जो है 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, शामी को 40 में दिया था, इनको 16 में ही दे चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे लोकी फर्गूसन को जरूर ये खेल लेते हैं, 11 बॉल में 21 रन यानी कि लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल लेते हैं, विकेट फिर भी नहीं दिया, मतलब कि लोकी फर्गूसन को मार लेंगे। बाकी सांगवान के अगेंस्ट भी दोस्तों 17 बॉल में ओनली 12 रन बनाए हैं, यानी कि 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट आ गई, साथ ही साथ अपना विकेट भी दे दिया। और रोहित शर्मा की तो भाई हिस्ट्री है कि लेफ्ट आर्म पेसर के सामने स्ट्रगल करते ही करते हैं, तो देख लेना या तो शमी या फिर सांगवान इनका विकेट निकाल सकते हैं अर्ली पावर प्ले में। तो रोहित शर्मा को अगर कुछ टीम से ड्रॉप करना चाहो, रिस्की टीम से ड्रॉप करना चाहो तो वो कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों क्यूरन पोलार्ड और राशिद खान का एक है कि भाई 66 बॉल में ओनली 55 रन बनाए हैं, 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट है और 1 बार अपना विकेट भी दिया है, तो क्यूरन पोलार्ड को भी देखो लो, राशिद खान परेशान कर सकते हैं, उतनी अच्छी फॉर्म में भी क्यूरन पोलार्ड अभी है नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, एक बार स्टार्टिंग से अगर हम रिकैप करें तो मैंने आपको पिच रिपोर्ट बताई, वेन्यू रिपोर्ट बताई, टीम न्यूज़ बताई, उसके अलावा मैंने आपको एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बताई, डेथ ओवर बॉलर्स बताए, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड बताए और दोनों टीम्स के प्लेयर बैटल आपको बताया। अब दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको एक टीम दिखाने वाला हूँ, लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात आपसे बोलूँगा कि भाई बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है, इस टीम को एकदम कॉपी करके, डिट्टो की डिट्टो कॉपी करके अपने कॉन्टेस्ट वगैरह ज्वाइन मत कर लेना, क्योंकि अपना लॉस आप करवा बैठोगे, ठीक है। ये जो भी टीम मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये डेमो टीम है, ये फाइनल टीम मत समझ लेना, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये दोस्तों टीम मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि इस मैच में किस तरीके की टीम आप बना सकते हो, किस तरीके के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। बाकी अपनी जो फाइनल टीम रहेगी वो हमेशा की तरह आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाएगी। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो जाके फटाफट वीडियो खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन खोलना या कमेंट बॉक्स खोलना, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जो अपनी डेमो टीम है दोस्तों वो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही होगी, इसमें देख लो मैंने दोनों ओपनर को रख लिया, ईशान किशन और वृद्धिमान साहब, ठीक है, दोनों के दोनों विकेट कीपर हैं, दोनों के दोनों ओपनर हैं और दोनों के दोनों खेल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों तिलक वर्मा कंफर्म कर ही दिया था, डेविड मिलर को रख दिया, सूर्य कुमार यादव कंफर्म कर ही दिया था, शुभमन गिल को रख लिया और रोहित शर्मा को रख लिया। यहाँ से आने के बाद हार्दिक पांड्या को भी दोस्तों अपनी टीम में रखा है, राशिद खान को भी रखा है, मोहम्मद शमी को कन्फर्म कर ही दिया था, मेरेडिथ को कन्फर्म कर ही दिया था, ठीक है। तो इनमें से अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे ये तो एक डेमो टीम है, फाइनल टीम में चेंजेस हो सकते हैं, रोहित शर्मा हो सकता है मेरी टीम से ड्रॉप रहे हैं, शुभमन गिल हो सकता है ड्रॉप करूँ, और हो सकता है कि यहाँ से ईशान किशन वगैरह को ड्रॉप करूँ, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा बॉलर उठाऊँ, जो भी है, जो भी चेंजेस होंगे वो आपके साथ टेलीग्राम पर टॉस के बाद शेयर कर दिए जाएंगे। बात करें दोस्तों अगर हम इन्हें 11 प्लेयर में कैप्टन और वाइस कैप्टन की, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, जिस भी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो वो बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, 8000 लाइक्स आप इस वीडियो पे कंप्लीट कर देना, ठीक है। खैर बात करें दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो सूर्य कुमार यादव एक अच्छे चॉइस हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करते हैं तो फिर ये आपके लिए CVC के अच्छे चॉइस हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी के साथ जाना चाहो तो भाई देखो बॉलर्स के साथ में जाना चाहता नहीं, हाई स्कोरिंग वेन्यू रहता है, तो किसी बैट्समैन को ही पकड़ लो, जैसे कि शुभमन गिल हो गए जो कि ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्या पता अच्छा परफॉर्मेंस कर दें, ठीक है।
सेफ जाना चाहो, तिलक वर्मा को पकड़ लो, ईशान किशन को पकड़ लो, ठीक है, जो भी हैं ये कुछ बड़े नाम हैं। बाकी सूर्य कुमार यादव एक जरूर एक डिसेंट पिक हो जाते हैं, अलावा यही कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रहेंगे। अगर दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंज होता है तो वो भी आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।